हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डीलिंग विद मीनाक्षी में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ए लाइन फ्रॉक की फैब्रिक पे कटिंग और स्टिचिंग करना। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सिल लिए हैं और सिलने के बाद देखिए बिल्कुल ऐसा दिखेगा। और ये जो फ्लावर्स है जो हम बनाए हैं, इस वीडियो में हम आपको नहीं दिखाएंगे, कभी अलग से वीडियो आपको बनाकर हम दिखाएंगे। तो चलिए अब हम फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये घर में रखा हुआ कपड़ा जो बचा हुआ था, ये वो कपड़ा है। अब हम इसकी एक फोल्ड कर लिए, अब हम इसकी दूसरी फोल्ड करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए दूसरी फोल्ड हमने कर ली और कपड़े को अच्छे से सीधे कर लेंगे। अब हम मेजरमेंट आपको बताते हैं। लेंथ है 18 इंच और शोल्डर है 5। जैसे कि आप देख रहे हैं -3 इंच है इसमें, क्योंकि कपड़ा का लेंथ हम लोग का कम है। और चेस्ट देख रहे हैं आप, मेजरमेंट वही है जो हम आप सबको पेपर कटिंग बताए थे, वही है। तो चलिए सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं, कितना रहा है, 17 आ रहा है और सिल के 15 आएगा। और अब हम ले लेते हैं शोल्डर 5 इंच, शोल्डर 5 इंच हमने ले लिया। और हम आर्म होल शेप के लिए भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जहाँ से शोल्डर का हम निशान, सॉरी फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम 2 इंच गले का लेंगे गहराई, और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और अब हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ से गले की लंबाई हम लेंगे 1.5 इंच पे। पहले हम बैक का कटिंग करके फिर फ्रंट में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा इसमें लेंगे। और जहाँ से आर्म होल का निशान लगाते हैं, वहीं से ही चेस्ट का नाप लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 18 था, तो हमने 4.5 इंच लिया और उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दिए। तो टोटल कितना हो गया, 6 इंच, 6 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब हम आर्म होल का शेप देंगे 1/2 इंच पे, क्योंकि छोटे बच्चे का कपड़ा, इसलिए ज़्यादा हम इसमें गहराई आर्म होल में नहीं देंगे। और यहाँ से हम कमर का नाप ले लेंगे, कमर का भी नाप सेम आएगा जितना चेस्ट का है। इसमें आप दो तरह से कटिंग कर सकते हैं, एक पूरी गहराई देके कमर पर जैसे सूट वगैरह में होता है, और एक जो दूसरा निशान आप देख रहे हैं ए लाइन का, तो इसमें आपकी पसंद होगी। अगर आप अपना घर में सिलना चाहें तो कैसे करना है, हम ये जो ए लाइन जो सॉरी फ्रॉक का है वो शेप पे हम कटिंग करें। अब हम नीचे का गोल घेरा का भी शेप दे देंगे। तो हो गया, तो चलिए अब हम फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ए लाइन जो फ्रॉक होता है छोटे बच्चे पे, जो बच्ची होती है घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है उन लोग पे। तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, आपके घर में बचे हुए जो कपड़े होंगे उस कपड़े से आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम आर्म होल कटिंग करेंगे, शोल्डर कट हो गया और साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप सामने देखा, हमने कटिंग कर लिया और अब हम मशीन पर आते हैं। हमने मशीन में धागे भी डाल लिए हैं, तो और जो इसके जो बचे हुए कपड़े थे उसके हमने क्रॉस पीस में पट्टी काट ली है, जो आर्म होल पर हम लगाएंगे और गले पे हम सुई से सॉरी हाथ से हेम करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिलने के लिए। तो सबसे पहले हम आर्म होल ज्वाइंट करेंगे। आर्म होल ज्वाइंट जब भी करते हो टाका दे करते हैं, ताकि खुले ना सिलाई। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम टाका देकर सिलाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में हमें बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें
आगे बढ़ने की उम्मीद देता है और कुछ अलग करने का। तो अब दोनों ही आर्म होल शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम कट कर लेंगे धागा को और अब हम आर्म होल पर क्रॉस पीस में जो पट्टी काटे थे उसे अब हम लगाएंगे। तो देखिए आप, हमने कपड़े को जो फ्रॉक का जो कपड़ा हमने उल्टा रखा है और ये जो क्रॉस पीस है उसे सीधी रखे हैं। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो पर आप बोर ना हो, क्योंकि इसमें फैब्रिक कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही हैं। इसीलिए तो इस तरह से हम कपड़ा आर्म होल पर रख के जॉइंट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो पट्टी है क्रॉस पीस को, उसे हल्के खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, और दोनों को मिलाते हुए धीरे धीरे आराम से इसे हमें लगाना है। दोनों कपड़े को मिलाते हुए आराम से धीरे धीरे करना है। तो अब हमारी एक तरफ की आर्म होल पे पट्टी लग चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, जो हमने कपड़ी उल्टी रखी तब दोनों तब देखिए इधर सीधे ही हो गया। इसी तरह से हम आर्म होल पे पट्टी लगाएंगे। कोई कोई आर्म होल में पट्टी जो होती है अंदर की ओर लगाते हैं पाइपिंग, लेकिन हम इसे बाहर की ओर लगा रहे हैं ताकि फ्रॉक में वगैरह में अच्छा लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है। इसलिए इसे भी हम आराम से हल्के हाथ से खींचते हुए दोनों तरफ के कपड़े को मिलाकर ही लगाएंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पट्टी। अब हम दूसरी तरफ की लगाएंगे। इसी तरह हम दोनों तरफ ही लगा लेंगे। जो नए नए सिलाई करते हैं उन्हें थोड़ा सा पाइपिंग लगाने में प्रॉब्लम होती है, पर आ जाती है धीरे धीरे करने से। तो हल्का खींचेंगे, अभी हमें दोनों तरफ की हमें। अब इसी तरह हम तो कपड़े को आर्म होल बराबर करते हुए 1.5 इंच के मार्जिंग था उस पर निशान लगाते हुए साइड में हम सिलाई चला देंगे, जैसे आप देख रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हम साइड में निशान लगाना भूल गए थे। तो आप जब अपने घर में करें तो आप इजी टेप से निशान लगा कर ही सिलाई करें। ये हमारा हो गया। इसी तरह हम दोनों साइड तरफ सिलाई चला लेंगे।
और मेरा मशीन का धागा भी टूट गया। और अब इसी तरह गोल घेरा जो नीचे का था उस पर हम पौने इंच यानी पौने इंच को लेते हुए पतली में सिलाई राउंड में लगाएंगे। कपड़े को बराबर में अच्छे से करते हुए हड़बड़ाना नहीं है फ्रेंड्स, हड़बड़ा के नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं मिलाते हुए कपड़े को। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ए लाइन फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसमें आप चाहें तो बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज़ हमें लाइक और